आइए अब हम जानते हैं किसान की सफलता की कहानी, किसान की जुबानी। मेरा नाम रामचंद्र पाटीदार, पिता घनश्याम पाटीदार, मैं ग्राम भैरावल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र भैरावल में पानी की बड़ी विकट समस्या है। इस कारण हम पूर्व में कम पानी की फसलें जैसे चना, मसूर, रायड़ा, कम पानी के गेहूँ ये बोते थे। उनमें भी पानी की कमी की वजह से उत्पादन उनका बहुत कम होता था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। अब हमने जन विभाग की प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फॉर्म लैंड योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण करवाया है, जिसमें हम बारिश का पानी एकत्रित कर लेते हैं और जरूरत जैसे फसल को जरूरत लगती है जल स्तर। पहले तो हम अपने कुएँ बोर वगैरह से सिंचाई करते हैं, उसके पश्चात जब उनमें पानी कम हो जाता है तब हम तालाब के पानी का उपयोग करते हैं। आखिरी समय में जब फसलों को पानी की जरूरत होती है तब इस तालाब का यूज करने से फसलों में उत्पादन बहुत अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है और पानी की उपलब्धता होने के कारण पहले हम केवल गेहूँ चना ही बोते थे, अब हम लहसुन, प्याज, कलौंजी इन फसलों को बोने लगे हैं, जिससे उनका उत्पादन अच्छा होता है और हमारी आमदनी भी बढ़ती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लग गई है। इस तालाब के पानी से जो फसलों को सिंचाई मिलती है वो फसलों के लिए जीवन रक्षक सिंचाई का काम करती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ जिनके पास पानी की कमी है, यहाँ पे जल स्तर बहुत नीचा है, उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो भी इस योजना का लाभ लें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने तालाबों का निर्माण करें। और मैं विभाग जन विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस योजना को बनाया और इस वीडियो के माध्यम से मैं और किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के यहाँ भी पानी की समस्या है वो उद्यान विभाग की योजना का प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फार्मलैंड योजना का लाभ उठाएं। और मैं उद्यान विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने किसानों के हित में इतनी शानदार योजना को संचालित किया जा रहा है, इससे किसानों का खेती जो है वो लाभ का धंधा बनती जा रही है। जय जवान, जय किसान।